वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन, और थ्योरी ऑफ मशीन में हमने काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, मशीन क्या होती है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं पढ़ लिए थे, और हमारा चल रहा था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। और काइनेमेटिक्स पेयर में भी हम एक टाइप के काइनेमेटिक्स पेयर को पढ़ लिए थे, जो हमारा था अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। जो हमारा रिलेटिव मोशन के बेस पे था हमारा काइनेमेटिक पेयर, उसको हमने पढ़ लिया था। और दूसरा हमारा आएगा उसमें हमारा बनता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें हमारा बनता है, पहला बनता है हमारा इसमें हमारा पहला बनता है लोअर पेयर। दूसरा हमारा बनता है हायर पेयर। इसमें हमारा दूसरा बनता है हायर पेयर। पहला बनता है लोअर पेयर, दूसरा बनता है हमारा हायर पेयर। तो इसमें हमारा दूसरा जानेंगे हमारा कि लोअर पेयर के बारे में जानेंगे हम। लोअर पेयर का मतलब, बेसिकली कहने का मतलब हमारा ये होता है कि जब हमारा दो एलिमेंट हों किसी भी मशीन का, जब वो रिलेटिव मोशन करे तो उनके जो बीच में जो कांटेक्ट बने वो हमारा सरफेस कांटेक्ट बने, यानी वो कांटेक्ट में आए तो सरफेस कांटेक्ट, ना कि कोई सी लाइन पर कांटेक्ट आए, ना ही किसी पॉइंट पर कांटेक्ट आए, तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा लोअर पेयर कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, when a two element pair, when relative motion takes place, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसमें हमारा क्या लोअर पेयर बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसके जो एग्जांपल होते हैं हमारे, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं देखते हैं। इसका एग्जांपल में हमारा जो होगा स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा। स्लाइडिंग पेयर में आपको जितना भी पढ़ाया था मैंने, अगर आपको जानना है तो पिछले वीडियो में जाइए, देखिए वीडियो को कि हमारा स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, टर्निंग पेयर क्या होता है, स्क्रू पेयर क्या होता है, फिर हमारा उसके बाद क्या हो गया हमारा, और कौन सा पेयर हो गया, रोलिंग पेयर क्या होता है हमारा, स्पेरिकल पेयर क्या होता है हमारा, यही सब। इसमें अगर टर्निंग पेयर आ जाएगा मेरा, और क्या आ जाएगा हमारा, टर्निंग पेयर के बाद स्क्रू पेयर आ जाएगा। मतलब ये सब के उदाहरण है हमारे, किसके जो हमारे ये सब तो आपको देखने में लगेगा कि अरे ये हमारा सरफेस कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये होते हैं सॉरी ये हमारा जो होता है पॉइंट कांटेक्ट होता है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, ये होते ही हमारे हैं किसमें सरफेस कांटेक्ट में, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ये पॉइंट कांटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये होता है एक्चुअली किसमें है, सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इसके बाद हम जानते हैं क्या होता है हमारा हायर पेयर में हमारा होता है सेम चीज़। उसमें जैसे लोअर पेयर में जो होती है हमारी, वो हायर पेयर में होती है। लोअर पेयर हमने क्या बताया आपको, when two element of a pair which have surface contact when relative motion takes place। इसके एग्जांपल आपको बता दिया मैंने, स्लाइड पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्यू पेयर। अब हम जानेंगे बेसिकली क्या होता है हमारा हायर पेयर का मतलब होता है हमारा when two element of a pair have a line contact, line oblique लिख सकते हैं point contact
लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट व्हेन रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस। तो क्या होता है बेसिकली, मतलब व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर कनेक्टेड, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर हैव अ लाइन या पॉइंट कांटेक्ट, व्हेन रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस, तो हमारा क्या बन जाएगा, उसमें हमारा क्या बन जाएगा, हमारा हायर पेयर हो जाएगा। इसका जो हमारा हायर पेयर में क्या होता है, जो हमारा ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये नोट करने वाली बात है हमारी, इसमें हमारी बेसिकली क्या होता है, मतलब पार्शियली पार्शियली हमारा स्लाइडिंग होती है, और हमारा पार्शियली क्या होती है, पार्शियली क्या होती है, स्लाइडिंग के बाद हमारा पार्शियली क्या होती है, टर्निंग होती है, टर्निंग होती है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली टर्निंग होती है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होगा हमारा, इसका हायर पेयर का एग्जांपल क्या होगा हमारा। तो हायर पेयर का एग्जांपल हमारा क्या होता है, अब लिख लेंगे हमारा टूथ्ड गियर, दूसरा होता है हमारा बेल्ट एंड रोप ड्राइव हमारा हो जाएगा, बाल एंड बियरिंग हो जाएगी हमारी। उसके बाद हमारा बन जाएगा कैम एंड फॉलोअर हो जाएगा हमारा, और हमारा क्या हो जाएगा, ए फ्रिक्शन डिस्क हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शन डिस्क, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या होता है, एग्जांपल होते हैं किसके, हायर पेयर के। हमारा हायर पेयर क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर हैव अ लाइन कांटेक्ट, जहाँ भी हमारा पेयर क्या हो, लाइन कांटेक्ट में हो, तो हमारा वहाँ क्या आएगा, हमारा हायर पेयर आएगा हमेशा, हमारा क्या आएगा, हायर पेयर हमारा। इसका जो इसमें हायर पेयर में क्या होता है, पार्शली स्लाइडिंग होती है और पार्शली टर्निंग होती है, और इसके एग्जांपल होते हैं टूथ्ड गियर। आपने गियर को देखा होगा, गियर हमेशा पॉइंट कांटेक्ट होता है, ना कि हमारा सरफेस कांटेक्ट हो। देखने में आपको सरफेस कांटेक्ट लगेगा, लेकिन होता क्या है, पॉइंट कांटेक्ट। जैसे आपको मिलेगा उसमें पिच पॉइंट, गियर में जैसे आपको पिच पॉइंट पे तो हमारा गियर मिस करता है हमारा, तो अगर पॉइंट पे नहीं मिला होता तो उसको पॉइंट क्यों कहते हैं, हम पिच पॉइंट ही क्यों कहते हैं, उसको पिच सरफेस भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारा जो गियर मिस कर रहा है वो पॉइंट पे ही कर रहा है, तो हमारा ये इसमें पॉइंट या लाइन कांटेक्ट बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हायर पेयर हो जाएगा। तीसरा जो बेसिस होता है हमारा इस पे, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, तीसरा होता है हमारा इसमें अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो प्रकार के होते हैं क्लोजर होते हैं। पहला जो हमारा होता है सेल्फ क्लोज पेयर होता है, ठीक है, सेल्फ क्लोज पेयर में क्या होता है हमारा, कि मतलब जो होता है, मतलब जो हमारा दो एलिमेंट होते हैं किसी भी पेयर के, वो मैकेनिकली कनेक्टेड हो, मैकेनिकली ज्वाइंट हो, जो हमारा रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ क्लोज्ड पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, फिर सुनिए, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर आर कनेक्टेड मैकेनिकली इन सच वे दैट ओनली रिक्वायर्ड अ रिलेटिव मोशन, मतलब हमारा जब रिलेटिव मोशन का रिक्वायरमेंट हो, तो हमारा जो दो एलिमेंट किसी पेयर के हैं, तो हमारा क्या हो, मैकेनिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो ऐसा अगर होता है जहाँ, वो हमारा किस में आ जाता है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर में आ जाता है। तो इसका क्या बनेगा डेफिनेशन, कि व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर which is connected mechanically
मैकेनिकली टुगेदर टुगेदर, ठीक है। कब होगा हमारा दैट ओनली रिक्वायर्ड क्या रिलेटिव मोशन, रिक्वायर्ड रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा इसमें, हमारा सेल्फ क्लोज्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होगा हमारा, इसका एग्जांपल जो हमारा होगा वो लोअर पेयर हमेशा किस में आते हैं, लोअर पेयर हमारा जो होता है इसमें लोअर पेयर इज ऑलवेज सेल्फ क्लोज पेयर, सेल्फ क्लोज्ड पेयर, सेल्फ क्लोज्ड पेयर में आते हैं हमारा जो क्या होता है, लोअर पेयर जो होते हैं हमारे वो सेल्फ क्लोज्ड पेयर में आते हैं, किस में आते हैं सेल्फ क्लोज्ड पेयर में आते हैं, ठीक है। अब नाम दूसरा हो जाएगा हमारा फोर्स्ड को क्लोज पेयर, सॉरी दूसरा हो जाएगा हमारा किस में फोर्स्ड क्लोज पेयर। अब जैसे आपको पता चल रहा है कि फोर्स क्लोज पेयर मतलब इसको हम ज़बरदस्ती कनेक्ट कराएंगे दूसरे से, कनेक्ट होइए आप, मतलब इसको क्या कनेक्ट, जब हमारा कोई भी जो कंपोनेंट या पेयर हैं एलिमेंट हैं वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन उनको ज़बरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स दे के उनको ज़बरदस्ती कनेक्ट कराया जा रहा है, तो हमारा उस किस में आ जाएंगे हमारा फोर्स्ड क्लोज पेयर में आ जाएंगे। मतलब उनको कनेक्ट कराने के लिए हमारा एक्सटर्नली वर्क फोर्स की ज़रूरत हो, तो हमारा क्या हो जाएगा फोर्स्ड क्लोज पेयर हो जाएगा हमारा। फोर्स्ड क्लोज पेयर में क्या होता है हमारा, देखिए व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर, when two element of a pair which is not connected mechanically if यदि उनको कांटेक्ट में रखना है किसमें कनेक्ट, मैकेनिकली कनेक्ट कराना, इफ़ केप्ट इन कांटेक्ट बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब हमारा कि जो उनको कनेक्टेड नहीं है मैकेनिकली लेकिन उनको कनेक्ट में लाने के लिए, उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें क्या है एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम फोर्स्ड क्लोज पेयर कहते हैं। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल आपको लिख लेंगे, इसका एग्जांपल क्या होता है सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास क्या है, कैम एंड फॉलोअर हमेशा इसका एकदम बेस्ट उदाहरण। और दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें स्प्रिंग ऐसे होती है कुछ, ठीक है। यहाँ तक अब इसको ये तो कनेक्टेड ये नहीं है, इसको बढ़ाएंगे, हमको इसे ज़रूरत पड़ेगी इलास्टिक बढ़ाने के लिए, क्या करेंगे इसको बढ़ाएंगे कि हमें ज़रूरत पड़ी मैकेनिकली कनेक्ट कराने के लिए दूसरी से, क्या करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें तो बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या इसमें स्प्रिंग भी आ जाएगा। नेक्स्ट डालते हैं हमारा काइनेमेटिक चेन, ठीक है। काइनेमेटिक चेन क्या होता है हमारा, काइनेमेटिक चेन कहने का मतलब हमारा है कि जो हमारा मान लीजिए तीन पेयर हैं इसमें, तीनों पेयर जो हमारा पहला लिंक है, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, ये हमारा L3 है, ठीक है। जब हमारा पहला लिंक वो हमारा तीसरे लिंक से कनेक्ट हो, जो हमारा पहला लिंक है वो हमारा लास्ट लिंक से कनेक्टेड हो, और वो हमारा क्या हो डेफिनेट या फुल्ली कंस्ट्रेंट मोशन या कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को ट्रांसमिट करे, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो काइनेमेटिक चेन कहलाएगा। फिर से सुनिए, हमारा काइनेमेटिक चेन उसे कहते हैं जिसमें हमारा तीन पेयर या चार जितने भी हों, लेकिन
अगर हमारा पहला लिंक और लास्ट का लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो सक्सेसफुली हमारा क्या मोशन का ट्रांसमिशन कर रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, काइनामेटिक चेन कहलाएगा। तो बेसिकली काइनामेटिक चेन होता क्या है ये देखते हैं, काइनामेटिक चेन क्या होता देखते हैं। काइनामेटिक चेन को क्या कहते हैं हम, काइनामेटिक चेन था हमारा, इसको डिलीट करते हैं, ये कहाँ से आ गया, काइनामेटिक चेन हो गया हमारा, क्या कहते हैं, व्हेन अ काइनामेटिक पेयर व्हेन अ काइनामेटिक पेयर आर कपल्ड या ज्वाइंड इन अ सच वे द लास्ट लिंक इज ज्वाइंड टू द फर्स्ट लिंक या फर्स्ट लिंक इज ज्वाइंड टू लास्ट लिंक, दोनों एक ही बात है। द लास्ट लिंक इज ज्वाइंड टू फर्स्ट लिंक, ठीक है, फर्स्ट लिंक के बाद एंड ट्रांसमिटेड फुल्ली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा काइनामेटिक पेयर कहलाएगा। अब इसमें हमारा रिलेशन होता है हमारा दो प्रकार से, अब इसमें हम दो फार्मूले पढ़ेंगे, इससे हमारा पता चलेगा ये हमारा काइनामेटिक चेन है या नहीं है, या काइनामेटिक चेन है कि नहीं है, इसे पता कर लेंगे हम कि हमारा काइनामेटिक चेन है कि नहीं है। पहला लिखिए एल इज इक्वल टू 2p-4, ठीक है। दूसरा लिखिए हमारा जे इज इक्वल टू 3/2 L-2, ठीक है, ये माइनस है हमारा। अब हमारा क्या है, ये एल इज इक्वल टू क्या है हमारा, लिंक, नंबर ऑफ लिंक कितने जुड़े हुए, पी इज इक्वल टू पेयर कितने हैं इसमें, पेयर कितने हैं हमारा, जे इज इक्वल टू हमारा कितना ज्वाइंट कितना है इसमें है, ज्वाइंट कितना हमारा, ठीक है। तो आइए हम कंसिडर करते हैं कि हमारा कौन कौन सा पेयर काइनामेटिक पेयर है या नहीं है, या हमारा कब हमारा लॉक्ड चेन बनेगा, कब हमारा अनलॉक चेन बनेगा, कब हमारा सेल्फ क्लोज्ड या जो भी कह लेते हैं उसमें, कब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, कब हमारा जो भी हमारा क्या है पता करेंगे इसी फार्मूले से कि हमारा क्या है, ठीक है कि ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये तीन लिंक हैं, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक, लिंक की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 3। ज्वाइंट कितने बनेंगे, ज्वाइंट हमारा बनेगा कितना बनेगा, 1, 1, 2, ठीक है, 2, 3 और 3, 1, यही बनेगा ज्वाइंट हमारा, मतलब 3 ज्वाइंट बन गया हमारा। अब पेयर कितना बनेगा, पेयर भी 3 बनेगा, 1, 2, 3 पेयर बन गया, ठीक है। तो अब इस फार्मूला में रखेंगे हम, किस में फार्मूला में रखेंगे, L इज इक्वल टू 2p-4, लिंक की संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है, 3 रख दिया हमने, 2 इंटू पेयर का कितना हमारा है, सॉरी पेयर कितना हमारा है, 3 है, 3 रख दिया, -4 कर लिया, 3 इज इक्वल टू 6-4, अब क्या हो गया हमारा, 3 ÷ 2 आ गया। अब देखिए LH इज इक्वल टू हमारा RH नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, LH इज ग्रेटर देन RH, ये है। अगर हमारा इस फार्मूले का यूज़ करके अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आया, ठीक है, अगर हमारा LHS इज ग्रेटर देन RHS आया,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा जो चेन बनेगी, हमारी चेन क्या हो जाएगी, लॉक्ड चेन हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे लॉक्ड चेन। हमारी जो चेन बनेगी वो लॉक्ड चेन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लॉक्ड चेन हो जाएगी हमारी जो चेन बनेगी लॉक, मतलब उसमें हमारा क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, वो रिजिड फ्रेम बन जाएगी, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो ट्रस बन जाएगा जो हमारा ब्रिज में यूज़ करते हैं, ये सब हमारा इसमें आ जाएगा जब एल एच एस इज ग्रेटर देन आर एच एस रहेगा तब, ठीक है। अब दूसरा हम लगाते हैं फार्मूला, अब देखिए अब दूसरे पे लगाते हैं कि अब अगर हमारा आर एच एस बड़ा हो जाए, एल एच एस छोटा हो जाए तो क्या करेंगे, अगर हमारा आर एच एस बड़ा हो जाए, एल एच एस छोटा हो जाए तो क्या करेंगे, अगर हमारा आर एच एस बड़ा हो जाए, एल एच एस छोटा हो जाए तो क्या करेंगे, इसमें अब इसी फार्मूला में लगाएंगे हम, अगर हमारा नंबर ऑफ लिंक्स कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग इसको, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, जब हमारा एल एच एस बड़ा हो गया आर एच एस तो क्या बनेगा, लॉक्ड चेन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप कंसीडर करिए कि हमारा अगर आर एच एस बड़ा हो जाए तो क्या बनेगा, अगर हमारा आर एच एस बड़ा हो जाए तो क्या बनेगा हमारा, तो क्या कहलाएगा हमारा, कंडीशन लिखिए इसका, अगर एल एच एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर एच एस है तो हमारी जो लिंक बनेगी कितना क्या बनेगी, लॉक्ड चेन बनेगी। दूसरा हमारा है एल एच एस इज लोअर देन आर एच एस तो क्या बनेगा हमारा, पेयर अनलॉक्ड चेन बनेगी, अनकंस्ट्रेंड चेन बनेगी, या इसको बोलेंगे अनकंस्ट्रेंड चेन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अनकंस्ट्रेंड चेन। अगर हमारा तीसरा क्या आ जाएगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू हमारा आर एच एस आ गया तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, काइनामेटिक चेन बनेगी, जिसे हम काइनामेटिक चेन पढ़ ही रहे थे, हमारा क्या बनेगा, काइनामेटिक चेन बनेगा हमारा, ठीक है, काइनामेटिक चेन बनेगा हमारा, काइनामेटिक चेन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, काइनामेटिक चेन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे ज्ञात करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था इसमें, इसको ही हम क्या कहते हैं, कुट्ज़बर्ज क्रिटिसन बोलते हैं हम इसमें, इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं, चलिए ठीक है लिखिए, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है हमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, कुट्ज़बर्ज ने इसको लॉन्च किया था, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, तीन एल माइनस वन किसके इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू तीन एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच। हमारा एल इज इक्वल टू क्या है, लिंक नंबर ऑफ लिंक, एच इज इक्वल टू क्या है, हायर पेयर, हमारा एच क्या है, हायर पेयर है, ठीक है, और जे क्या हमारा यहाँ ज्वाइंट है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इस पर हमारा ये हो गया, तीन लिंक हुए, इसको हमने फिक्स्ड कर दिया एक, इसको ये हमारा एक दो तीन ज्वाइंट बन गया हमारा,
तो एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, तीन है, ठीक है। जे इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, ये भी तीन है। और हमारे पास क्या बच गया, अब जे हो गया हायर पेयर, हमारे पास क्या है, जीरो है, क्योंकि हायर पेयर इसने दिया ही नहीं, इसमें हायर पेयर होगा ही नहीं। तो क्या हम लगाएंगे फार्मूला इसमें, तीन एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच, ठीक है। तो एच है ही नहीं तो इसको हटा देते हैं पहले से। तीन लिंक कितनी थी हमारे पास, तीन ज्वाइंट कितना था, तीन, इसमें तीन माइनस एक इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, छः, छः माइनस छः कितना आ गया, जीरो आ गया। इसमें हमारा कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हमारे पास जीरो आ गया, हमारे पास जीरो डिग्री ऑफ जीरो कितना हो गया, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आ गया, जीरो। अब इसका जीरो आने का मतलब क्या है इसमें, अगर हमारा जीरो आ रहा है, अगर हमारा डिग्री ऑफ, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ज़ीरो, तो जो हमारा पे, जो हमारा वो बनाए थे हमने, फ्रेम बनाया था, जो भी स्ट्रक्चर बनाया था, वो हमारा क्या होगा उसमें, वो हमारा क्या हो जाएगा उसमें, रिलेटिव मोशन पॉसिबल ही नहीं होगी, रिलेटिव मोशन, नो रिलेशन रिलेटिव मोशन होगा, नो रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, नो रिलेटिव मोशन होगा। जो हमारा किसके बराबर आया था, ये एन के इक्वल टू आया था, एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एन के बराबर आया था हमारा, जो रिलेटिव मोशन क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा क्या, कुर्ज़बर्ज ने इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इसी को ग्रबलर ने क्या किया, अब इसको ग्रबलर ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ग्रबलर, ये दोनों लोगों ने सेम ही फार्मूला दिया, ग्रबलर अकॉर्डिंग टू ग्रबलर। तो क्या इतना उन्होंने फार्मूला दिया, एल इज सॉरी एक इजिकल टू, एक इजिकल टू ना लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, तीन एल माइनस टू जे इजिकल माइनस फोर इजिकल टू जीरो। ग्लबर, अरे क्या लिखा है, ग्रबलर ने इसमें यह फार्मूला दिया, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड कर सकते हैं। अगर इन्होंने क्या किया, एन इजिकल टू वन रख दिया ग्रबलर ने, और h इजिकल टू जीरो रख दिया, ठीक है, जो कि हमने इन्हें कुर्ज़बर्ज ने भी किया था। तो जो सेम हमारा होता है कि कुर्ज़बर्ज और ग्रबलर द्वारा, दोनों द्वारा हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म को बाद में पढ़ेंगे। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म का मतलब होता है हमारा यही बेसिकली कि जो हम, ये कोई तीन पेयर है, ठीक है, तीन लिंक, इसको फिक्स किया, इन दोनों को चालू किया, तो हमारा क्या मोशन मिल रहा है, क्या हमारा क्या हो रहा है, फिर इसको फिक्स करने के बाद ये इसको फिक्स कर दिया हमने, क्या मिल रहा है मोशन, कौन सा क्या बन रहा है, कौन सी मोशन हमको मिल रही है, हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म है। फिर इसको फिक्स करने के बाद हमने इसको फिक्स कर दिया, बारी बारी से हमने, मतलब डिफरेंट लिंक, जितने प्रकार के लिंक लगे उनको बारी बारी से फिक्स करके हम ये फाइंड करेंगे कि हमारा, हमको कौन सा मोशन मिल रहा है, ऑसिलेशन से हमारा रोटेटरी मिल रहा है, या रोटेटरी से हमारा ऑसिलेशन मिल रहा है, ऑसिलेटिंग से ऑसिलेटिंग मिल रहा है, या रेसिप्रोकेटिंग से रेसिप्रोकेटिंग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यही हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म है बेसिकली, हम जानते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।